हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों, आज मैं आपको एक लिटिल रेड हेन की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। द लिटिल रेड हेन। सीन वन। लिटिल रेड हेन इज लुकिंग फॉर फूड। शी फाइंड्स सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट इन अ फील्ड। शी डज नॉट ईट देम। शी वॉन्ट टू प्लांट देम। हर फ्रेंड्स लिव नियर द फील्ड। शी आस्क them to help her dig the field and plant the seeds। बच्चों, एक रेड हेन थी, वो खाना ढूंढ रही थी। उसे खाना भी मिला, उसे वीट के ग्रेन मिले फील्ड में। उसने सोचा, मैं इनको खाऊंगी नहीं, मैं इनको प्लांट करूंगी, इनको उगाऊंगी। तो उसने अपने फ्रेंड्स जो उसके पास में थे उनसे हेल्प मांगी। हेन, हेलो फ्रेंड्स, आई हैव फाउंड सम ग्रेन ऑफ वीट। विल यू हेल्प मी टू प्लांट देम? Duck, not I. I am too busy. Cat, not I. My kittens are sick. Dog, not I. I have to guard the field. Hen, then I will plant them myself. अब हेन ने अपने फ्रेंड से एक एक करके पूछा। उसने पहले डक से पूछा कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो डक ने कहा, मैं तो बहुत बिजी हूँ। फिर कैट से पूछा तो कैट ने कहा, मेरे बच्चे बीमार हैं। डॉग से पूछा, डॉग ने कहा, मुझे तो फील्ड की निगरानी करनी है। तो हेन ने कहा, चलो ठीक है, मैं खुद ही प्लांट कर लेती हूँ। सेइंग दिस लिटिल रेड हेन गोज अवे। शी डिग्स द फील्ड, देन शी प्लांट्स द ग्रेन ऑल बाय हरसेल्फ। ऐसा कहकर जो रेड हेन थी वो चली गई और उसने फील्ड को खोदा और सारे प्लांट्स को खुद से प्लांट किया। सीन टू। द ग्रेन्स ग्रो इंटू प्लांट्स। They have lot of wheat grains. Little red hen want to cut them now. She ask her friends for help again. अब उसने क्या किया था? Plants grow किए थे, अब plants को cut करने की बारी आई थी। उसने फिर से अपनी friends की help मांगी। Hen, now the wheat is ready for reaping. Will you help me to cut it? Duck, not I. I cannot reap the wheat. अब hen ने उसको फसल को कट करने के लिए सबकी हेल्प फिर से मांगी। वो डक के पास गई, डक से पूछा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी ग्रेन को कट करने में? तो डक ने कहा, मैं नहीं, मुझे तो वीट को कट करना ही नहीं आता। कैट, नॉट आई। आई डोंट नो हाउ टू कट वीट प्लांट। डॉग, नॉट आई। आई एम टू सिक। हेन, देन आई विल कट इट माई सेल्फ। फिर वो कैट के पास गई। कैट ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं वीट प्लांट को कैसे कट करते हैं। डॉग ने कहा, मैं तो बहुत बीमार हूँ। तो हेन ने सोचा कि चलो मैं इसे खुद ही कट कर लेती हूँ। सीन थ्री। लिटिल रेड हेन कट्स द वीट ऑल बाय हरसेल्फ। शी गोज बैक टू हर फ्रेंड्स। हेन, नाउ द वीट ग्रेन्स आर रेडी फॉर ग्राइंडिंग। हु विल कम विद मी टू द मिल? डक, नॉट आई एम फ्राइटेंड ऑफ द नॉइस ऑफ द मिल। हेन जो है वो डक के पास गई, उसने उसकी हेल्प मांगी कि अब मैंने वीट ग्रेन कट कर लिए हैं, अब इन्हें ग्राइंड करने की बारी है, तो मेरे साथ मिल कौन चलेगा? तो फिर डक से उसने पूछा, डक ने कहा, नहीं, मुझे तो मिल की नॉइस से बहुत डर लगता है। कैट, नॉट आई। आई कैन नॉट वॉक सो फार। डॉग, नॉट आई। आई हैव टू विजिट माई अंकल। हेन, देन आई विल गो टू द मिल अलोन। I will grind the wheat into flour myself. अब कैट ने कहा, मैं ज़्यादा दूर नहीं चल सकती। डॉग ने कहा, मुझे अपने अंकल के पास जाना है। तो फिर हेन ने कहा, चलो मैं खुद ही वीट को लेकर अकेले चली जाती हूँ ग्राइंड करने के लिए। सीन फोर। लिटिल रेड हेन गोज टू द मिल अलोन। शी ग्राइंड्स द वीट इंटू फ्लार। शी गोज बैक टू हर फ्रेंड्स। Hen, will anyone at least help me to bake the bread with the flour? Duck, cat and dog, we are sorry, we do not know how to bake bread. अब हेन जो है वो मिल से ले आई थी वीट को ग्राइंड करके, अब उसे डो बनाना था। तो फिर उसने फिर से अपने फ्रेंड्स की मदद मांगी कि क्या तुम इसे बेक करने में मेरी हेल्प करोगे? लेकिन उन तीनों ने फिर से सॉरी कहकर मना कर दिया। सीन फाइव। Little red hen takes the flour home and makes dough.
Then she bakes a loaf of bread with it. She takes the bread to her friends. Hen: friends, the bread is ready. Who will eat it now? Duck, cat and dog: together we will. We are ready to eat the bread. Hen: I am sorry. I will eat it by myself. I don't need your help now. You are lazy animals. Now I will not share the bread with you. Goodbye. अब हैन जो है, जब वो डो बना करके बेक करके लाई ब्रेड को, तो उसने अपने फ्रेंड से पूछा, क्या तुम लोग मेरी खाने में हेल्प करोगे? तो सबके सबने कहा, हाँ हाँ हाँ, हम आपकी हेल्प करेंगे खाने में. लेकिन तब हैन ने कहा, आई एम सॉरी, ये मैं खुद से भी खा सकती हूँ. मुझे तुम जैसे लेजी फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं. ये सारा का सारा ब्रेड मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगी. गुड बाय. सेइंग दिस, लिटिल रेड हैन वॉक अवे विद द ब्रेड. Duck, cat and dog keep on looking at her. They now understand no one can get anything without hard work. Hard work always pays. अब इतना कहकर जो रेड हैन थी वो साइड में चलेगी और ब्रेड का टुकड़ा खाने लगी. अब ये देखकर डक, कैट और डॉग को रियलाइज़ हुआ कि बिना हार्ड वर्क किए हमें कुछ नहीं मिलता. तो बच्चों, देखा आपने कैसे रेड हैन ने मेहनत करके वीट फ्लावर से डो बनाकर ब्रेड बना के खाई, और बाकी के 3 फ्रेंड्स ने कुछ भी मेहनत नहीं की, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं मिला. इसलिए हार्ड वर्क ऑलवेज पे, मतलब आपकी मेहनत रंग ज़रूर लाती है. तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसकी दी हुई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.